मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज का विषय हमारा इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से आपके साथ है, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो मई का अंतिम भाग है। देखिए, मई के अंतिम भाग में विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है, आप ही की राशि में बन रहा है। आपकी लग्न चाहे वृष है चाहे आपकी राशि वृषभ है, तो आप समझ लीजिए आपकी राशि में ही सूर्य पदार्पण कर चुके हैं, आपकी राशि में ही बृहस्पति चल रहे हैं, शुक्र पदार्पण कर चुके हैं, बुध भी करने वाले हैं, त्रिग्रही योग बन के तैयार है, चतुर्ग्रही योग बनने वाला है। चतुर्ग्रही योग संन्यास योग कहलाता है और ऐसे में सूर्य जो है वो दो दो ग्रहों को अस्त कर रखा है और बृहस्पति और देवगुरु और साथ साथ दैत्यगुरु दोनों अस्त हैं। मंगल भी इन दिनों यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो जो आपके बारहवें भाव के स्वामी हैं और साथ साथ दशम अष्टप्तम भाव के स्वामी हैं वो विशेष तौर पर एकादशवें भाव में बैठकर राहु के साथ अस्त स्थिति में है। राहु वहाँ पूर्ण शुभ योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से देखिएगा आने वाले समय में सोना चांदी का जो रुख है वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर कई चीज़ों में महंगाई जो तेजी का दर है वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गोता भी लगा सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर जो लोग इलेक्शन का दौर भी चल रहा है भारत के अंदर और इन राशि वालों के लिए कई कुछ अच्छे योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, बस अपने गुस्से को शांत रखते हुए यदि आप काम करें, क्योंकि सूर्य लग्न में जब चल रहे होते हैं तो अननेसेसरी एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उस एग्रेसिवनेस के कारण से जो बृहस्पति अस्त हैं शुक्र अस्त हैं वो कहीं ना कहीं जो लाभ दे पाते हैं सही समय पर कहाँ पैर आगे करना है कहाँ कदम पीछे हटाना है वो विवेक कहीं ना कहीं कम हो जाता है और क्रोध में सब चीज़ें लिपने की स्थिति रखती है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग क्या है आपके लिए। देखिए, विशेष तौर पर यदि हम समझें तो आपकी राशि के अनुसार से 21 तारीख का दिन मई जो है वो विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और उस दिन चंद्रमा आपके छठे भाव में चल रहे हैं और छठे भाव के चंद्रमा विशेष तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में एंजाइटी वरी इत्यादि देने के योग बनाते हैं। तो ऐसे में नरसिंह जयंती जो है वो उस दिन पड़ रही है, भगवान नरसिंह का ध्यान करें शत्रुमर्दन के लिए। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर कुछ ना कुछ वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान नरसिंह का ध्यान, छिन्नमस्तिका देवी का भी उस दिन जयंती है तो उनका ध्यान करें। ये दोनों स्वरूप इतने चमत्कारी हैं कि यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल कष्ट की स्थिति है और बिल्कुल पानी जो है वो सिर के नाक के ऊपर तक आ चुका है, तब इन भगवती के स्वरूपों का ध्यान कर कर अपने जीवन में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद ने कैसे भगवान का स्तवन कर सुंदर तरीके से कार्य किया, तो यह असंभव को भी संभव करने की शक्ति जो है वो अध्यात्म के अंदर भक्ति के अंदर होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, दोनों स्वरूप जो है नरसिंह जयंती का अवसर जो नरसिंह भगवान का स्वरूप, छिन्नमस्तिका देवी का स्वरूप, इस दिन उन दोनों देवताओं की जयंती है, परमात्मा की जयंती है, तो उनका सुंदर पूजन करें। रवि योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, बट ध्यान रखना है आपको स्वास्थ्य का। प्रथम सुख निरोगी काया, तो उसके लिए उपाय बताई दिया है, नरसिंह भगवान का पूजन करें, भगवान विष्णु का चरणामृत लें, उनका पूजा पंचामृत से स्नान कराने के बाद वो चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, ऐसे नहीं कहा गया है, साक्षात चमत्कार है, इसको ध्यान रखते हुए करें। 22 तारीख का अवसर बुधवार का दिन चतुर्दशी तिथि है और उस दिन कूर्म भगवान की जयंती है और ग्रह नक्षत्र आपको विशेष तौर पर इस बात की तरफ कहते हैं कि मन को स्थिर रखें। इन दिनों आपका मन जो है अस्थिरता की तरफ जा रहा है, मन विशेष तौर पर जो है वो कभी इधर कभी उधर भटक रहा है और अननेसेसरी कार्यों को सही रूप से होने के ना कारण से मन में अस्थिरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ध्यान रखें, अस्थिरता का भाव प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का कूर्म स्वरूप में पूजन करें। कूर्म जयंती है आज, भगवान कूर्म जब इस संसार को स्थिर करने के लिए मंदिराचल पर्वत का जो मूल प्रदान किए हैं, उसके बाद सागर मंथन हुआ, सागर मंथन से नवरत्न की उपस्थिति होती है। जब मन चंचल होता है तो खासतौर पर उसको स्थिर करने के हम यदि प्रयास करते हैं तो उससे नवरत्न की उत्पत्ति का योग बनता है। तो इसलिए शांत होकर परमात्मा का स्मरण करने का अवसर है, शांत होकर चीज़ों को समझने का अवसर है। ये जो विप्लव चल रहा है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इस महीने के अंत होते होते बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा। उपाय कीजिए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप कीजिए, भगवान विष्णु का पूजन करें, सब शुभ होने के योग बनेंगे। 23 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार, वृश्चिक में चंद्रमा का पदार्पण सुबह 4:52 पर हो रहा है और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, नई शक्ति का संचार करने वाला है। चंद्रमा थोड़े क्षीण है लेकिन चंद्रमा को यदि शक्ति दे ली ना आपने तो बहुत सुंदर होगा। इस दिन उपाय करने का बहुत सुंदर अवसर है। देखिए, इस दिन बुद्ध जयंती है,
भगवान बुद्ध ने संसार को नई दिशा दी, और ऐसे में जब लोगों के पास कुछ और चीज़ नहीं चल रही थी तो उन्होंने शांति के साथ नया संदेश दिया। पीपल जयंती है, अश्वत्थ जयंती कहा जाता है कि इस दिन पीपल की उत्पत्ति सबसे पहले संसार में हुई। तो एक काम करें, किसी पवित्र जगह को ढूंढें, मंदिर इत्यादि कोई सुंदर जगह है जहाँ पर पार्क वगैरह हो, उसमें जाकर एक सुंदर पीपल को रोपित करने का प्रयास करें, उसका जल इत्यादि का व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, खाद की व्यवस्था करें, और 2 साल तक उसका पालन पोषण करेंगे तो देखिएगा, देखिए आपके आने वाले समय में 7.5 आने वाली है, और यदि आपने ये 2 साल उपाय कर लिया तो जब 7.5 आरंभ होगी आपकी, तो शनि का कैसा भी दुष्प्रभाव हो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। समझ लीजिए, आज से यदि ये उपाय आपने आरंभ कर लिया तो बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। तो ये उपाय अवश्य ध्यान रखते हुए करेंगे। सत्यव्रत भी है इस दिन, जिस जो समस्या आ रही है, चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं, उसको ठीक करने के लिए भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, चंद्र दर्शन करें, चंद्र को अर्घ दीजिए। ये सारे उपाय आपके लिए बहुत प्रशस्तता प्रदान करते दिखाई दें। सर्वात सिद्ध योग विद्यमान है, 9:14 के बाद सर्वात सिद्ध योग बनेगा, और समय का संभ्राम पूरा अच्छा रहेगा। तो ये समस्त उपाय करिए, कल्याण के योग बनेंगे। 24 तारीख का अवसर, शुक्रवार का दिन, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग का सुंदर योग है, जो सुबह 10:09 तक विद्यमान रहेगा। ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं, धन लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा बृहस्पति का सुंदर योग बन रहा है। बस आपको शांत होकर अपने सूर्य को प्रसन्न करते हुए, सूर्य को जल देते हुए, नमक का त्याग करते हुए उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। 25 तारीख का अवसर, शनिवार है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, सुबह चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में विराजमान है, दोपहर को 10:35 पर धनु में चले जाएंगे, तो ऐसे में नारद जयंती है। नारद जयंती का मतलब होता है संत महात्माओं की सेवा करने का अवसर, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान का विष्णु जी का जो भी आदित्य संवाद है नारद जी के साथ ही है, और नारद जी के संवाद से समस्त प्रश्नों का निदान मिलता है। मन जो संन्यास के रूप में, जो मन में जो विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं, भगवान उन सब का जवाब देकर संसार को उपदेश दे रहे हैं कि कैसे इस संसार में माया से अपने आप को अलग करना है। भगवान नारद ने विशेष तौर पर भगवान विष्णु से समस्त प्रकार के प्रश्न किए हैं। अध्यात्म में उसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। नारद जी ने एक बार भगवान से कहा कि भगवान आपका वास कहाँ होता है, तो भगवान ने कहा, नारद नाम वैसामी वैकुंठी योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्त गायंत तत्तिष्ठामि नारद। तो यानी भगवान का वास समस्त संसार में है, जहाँ उनका गायन होगा, जहाँ उनका स्तवन होगा, जहाँ भी आपको स्थान मिल जाए ना, ओम नमो नारायण मंत्र का जप कीजिए सुंदर तरीके से। ये वैसाख का महीना समस्त प्रकार के, जो विशेष तौर पे जो जेठ का महीना है, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। एक छोटे से जल के दान से कहा जाता है, इसमें संपूर्ण प्रकार के दान की व्यवस्था हो जाती है। जेठ के महीने में केवल जल दान का ही अद्भुत महत्व है। तो 5 घड़े भरकर किसी को दान कर दीजिए, संत महात्माओं को वस्त्र दान कर दीजिए, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 26 तारीख का अवसर, रविवार का दिन है, और तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, भद्रा का योग बन रहा है, जिसमें 6 बजे से करीब आरंभ होगा, और विशेष तौर पर शाम तक करीब रहेगा ये योग। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र है इस दिन, तो मूल शांति के लिए ध्यान रखिएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों को यदि देखें तो आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव के जन्म कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा अशांत करते हुए दिखाते हैं, संसार से वितरागिता उत्पन्न करने के योग देते हैं, और इन दिनों बृहस्पति शुक्र सब अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी विरक्तता मन में उदय हो सकती है, और आगे चतुर्ग्रही का योग बनने वाला भी है। तो ऐसे में भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें थोड़ा अर्घ दीजिए, पीला पुष्प डालकर उनको अर्घ देने से आपके सूर्य का जो वर्चस्व पूरे ग्रहों पर पड़ रहा है उसमें थोड़ी कमी आएगी, और सारे ग्रहों की शक्ति प्राप्त करने का योग बनेगा। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए उनका पूजन करने से समस्त प्रकार से कष्ट दूर होंगे। साथ साथ गणेश जी का भी ध्यान कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत कर सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो ये भी शास्त्रोक्त उपाय है, इसको करके कल्याण के योग बनाइए। 27 तारीख का अवसर, सोमवार का दिन, चतुर्थी तिथि उदयातिथि के रूप में विद्यमान है, और शाम को चंद्रमा जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और लाभ के योग पहले से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो जो मेहनत सुबह होगी उससे परिणाम से शाम को लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। ये साथ साथ योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें, मन को फालतू चीज़ों से हटाएं, वैसे नहीं कैसे नहीं, सीधा रास्ता पकड़िए, जिस प्रकार से आपका अनुभव है उसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, मन को शांत करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, गुस्सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। विशेष तौर पर इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह ठंडे जल से, जो शुद्ध जल हो, ताज़ा जल हो, उससे ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए शिव का अभिषेक करें। शिव पर जल डालना वास्तविक तौर पर मन को शांत करना ही है। शिव साक्षात, हम लोटे पे लोटा, जल पे जल, जल पे जल, कार्य है कि सिर जो ठंडा रखेंगे ना, तो देखिए बहुत सारा सिर गर्म होता है मूर्ख आदमी का,
इस बात का ध्यान रखें, सिर ठंडा रखें। शिव का जो हम अभिषेक करते हैं वो यही शिक्षा देता है कि हमें मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। शिव अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं और चंद्रमा यानी वो सीधा उपदेश है मन को मस्तिष्क को शांत करने के लिए। सबसे सुंदर ये किन प्रकार कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके ग्रह योग हमने आपको शास्त्रों विधि समझाने का प्रयास किया, आपको अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। 28 तारीख का अवसर सोम मंगलवार का योग है, पंचमी तिथि है और ये मंगलवार बेहद खास है, जेठ का पहला मंगल है और इस जेठ में चार मंगल पड़ने वाले हैं और चारों मंगल बहुत विशेष स्थान रखते हैं। इन चारों मंगल को, जेठ में पड़ने वाले मंगल को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। ये बुढ़वा मंगल विशेष बहुत स्थान रखते हैं। देखिए इन दिनों मंगल और राहु की युति चल रही है, आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में बैठकर मंगल को जो पुरुषार्थ करने में कमी लाने के योग बना रहे हैं। लाभ के योग बिल्कुल बने हुए हैं, मतलब बंद दरवाजों को भी खोलने की शक्ति है, लेकिन मंगल राहु के साथ होने के कारण से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ साथ बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, तो सही दिशा नहीं मिल रही है। एग्रेसिवनेस, पैशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पैशन जब कार्य नहीं हो रहा है तो गुस्से में परिवर्तित हो रहा है। ये आपकी राशि के अनुसार स्थिति चल रही है। ऐसे में क्या करना है, हमें जागना है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को जगाया था ना, उसी प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके अंदर शक्ति होगी और यही समझते हुए हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इन चारों बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ रखने का प्रयास किया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो आप भी अपने नाम से इस यज्ञ में भाग लेकर सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत विशेष है, अभी जून आते ही ग्रहों का परिवर्तन एकदम आपको नई एनर्जी के साथ लगेगा, उससे पहले इन उपायों का अवश्य कीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला, ये सारे कार्य आज सुंदर तरीके से इस दिन विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर कार्यक्रम में रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हुई है। देखिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 29 तारीख का दिन बुधवार का अवसर और षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गजकेसरी योग का निर्माण हो चुका है, चंद्रमा भाग्य में भाग में बैठकर धर्म स्थान को देखते हुए बृहस्पति सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बेशक बृहस्पति अस्त है तो बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बृहस्पति पहुंच चुके हैं और अब बहुत जल्दी जल्दी सूर्य के इस प्रभाव से निकलकर उदय होंगे और आपके भाग्य को जगाने का सुंदर रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। 12 वर्ष बाद ये परिवर्तन का योग आपके लिए बनने को तैयार बैठा हुआ है, तो इसके लिए पहले से तैयार हो जाए। तो विशेष तौर पर इस अवसर पर भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, माखन मिश्री का भगवान में मंदिर में भोग लगाएं। ग्रह नक्षत्र लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। 30 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, कालाष्टमी का योग, ग्रह नक्षत्र आपके लिए शनि के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बना रहे हैं और ये मनोमस्तिष्क को एक करने का दिन है। अंतःकरण के साथ मन का सुंदर योग बन गया है, लाभ का योग प्रशस्त होगा और आपके कार्यों को पूर्ण करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। केवल मन शांत करना है आपको और ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान, केसर का प्रयोग, केसर का तिलक, भोजन में केसर का प्रयोग, एक बाल केसर का अवश्य भोजन में लेने का प्रयास कीजिए। इससे परिवर्तन होगा और पीली चीज़ों का दान करेंगे तो ये ग्रह बहुत सुंदर आपको लाभ देगा। 31 तारीख का दिन शुक्रवार है और ये ग्रह और परिवर्तन के योग बना रहा है। इस दिन विशेष तौर पर बुध जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे ये बुध और वृषभ राशि में प्रवेश करते ही चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। ये चतुर्ग्रही योग विशेष तौर पर एक तरह से मन को इस संसार से विरक्त करने का रास्ता बनाता है। ध्यान रखिएगा, इस संसार ही में सब कुछ है, इस संसार से बाहर जो कुछ है वो जब समय आएगा तब देख लीजिएगा, पर लोक को नहीं, लोक को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और कई बार हम इस लोक में ही त्रस्त हो जाते हैं और वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ये ग्रह योग आपके लग्न में चतुर्ग्रही योग बनता दिखाई दे रहा है, जो संसार से आपको थोड़ा सा विरक्त करने का प्रयास करेगा। शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। देखिए सुंदर उपाय करें, गौ पूजन करें। गौ पूजन, गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। नित्य प्रति कुछ दिन लगातार गाय को अपने द्वारा कुछ ना कुछ दान खिलाना, खाना इत्यादि, हरा इत्यादि, रोटी इत्यादि सब कुछ करने का प्रयास कीजिए, पालक इत्यादि देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ग्रहों का चतुर्ग्रही योग जो है ये कुछ दिन मन को अशांत करता रहेगा और उसके बाद एक ग्रह और वहाँ पदार्पण करेगा। लेकिन बहुत जल्दी बृहस्पति उदय होंगे और नए ज्ञान का, नए रास्ते को आपको दिखाते दिखाई दे रहे हैं। तो जो अभी आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सूर्य के प्रकाश के आगे समस्त चीज़ लोप हो गई, कुछ नहीं लोप हुआ है, सब वहीं विद्यमान है, केवल हमें दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए परिवर्तन का योग बहुत जल्दी आ रहा है, चिंता ना कीजिएगा। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य की ओर
दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं, और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है। बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्र शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाए, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग में भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद पुराण उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिष विदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथियों के साथ साथ विभिन्न योगा योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है, आने वाले समय में शनि जयंती वो पर्व है। विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आम तौर पर जीवन में कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हरसी तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं, लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 टीन तीन 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें, शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं गई हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने की विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखे, आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, कनिष्ठ को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह निदान का तरीका, निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों को आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है।
तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्म पत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से, लेकिन आप समझो कि मूल को जन्म पत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्म पत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम लगातार पिछले करीब करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग, और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदी जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।